आज हम आपको उन समस्याओं को ओपन करेंगे, वो समस्याएं जो मनुष्य के अंदर आती हैं और मनुष्य को बिगाड़ती हैं। वो एक भेद के आधार पर प्रभु आपसे बात करेंगे। दुष्ट आत्माएं इंसानों को गूंगा कर सकती हैं, दुष्ट आत्माएं इंसानों को अंधा कर सकती हैं। जब मैंने उस पद को पढ़ा बाइबिल में, इसके बाद हम देखेंगे अभी, मैंने कहा प्रभु अंधकार की आत्माएं परमेश्वर के सृष्टि के पीछे पड़ी हुई है। हमको किसने रचा, बोल के देखिए। और वो जो शत्रु है वो हमारी आपकी जिंदगी के, जो परमेश्वर के द्वारा निर्माण किया हुआ चीज है, बनाए हुए चीज है, उनको वो बर्बाद करने पे लगा रहता है। हमने उस लाइन को जब पढ़ा कि दुष्ट आत्माएं इंसानों को गूंगा कर सकती हैं, इंसानों को बहरा कर सकती हैं, और फिर जब वो प्रभु के पास लाई गई तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उस गूंगी और बहरी आत्मा को निकाल दिया और फिर गूंगा बोलने लगा और बहरा सुनने लगा। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा प्रभु तब तो आज यही होगा आपके लोगों के बीच में भी। उस पद को दिखाओ, बाइबल लेके बैठना, उस पद को दिखाओ। यीशु मसीह के पास जब गूंगा और बहरा आया तो यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और उसमें से दुष्ट आत्माएं निकली। मैंने कहा प्रभु बताइए, अंधकार की आत्माएं हमारा बैरी है, वो हमारा शत्रु है, वो हमारा शत्रु है, वो हमें सही से नहीं रहने देगी, वो हमारे आपके जीवन में तमाम ऐसे कामों को करेगी जिससे हम परेशान रहें। देखिएगा मत्ती 12:22, हम इसको क्यों आज सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जिसको शैतान ने गूंगा बना दिया, अंधा बना दिया, रोगी कर दिया। क्या लिखा हुआ है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, इसको समझिएगा जरा ध्यान से भाई, तब एक अंधे और गूंगे को जिसमें क्या था, दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए, यीशु मसीह के पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने लगा और देखने लगा। प्रियजन समझना है, शैतान की चाल को समझना है। अब जरा सोच के रखो कि वो आपके आपको गूंगा कर सकता है, दुष्ट आत्माएं आपको गूंगा बना सकती हैं, आपको बहरा बना सकती हैं, अंधा बना सकती हैं। लिखा क्या कि वो बोलने लगा मतलब वो गूंगा था और वो देखने लगा मतलब वो अंधा था। दुष्ट आत्माओं ने उसे क्या कर दिया था, और दुष्ट आत्मा ने उसे क्या कर दिया था, देखो याद रखना इस बात के लिए, अगर हम आत्मिक दुनिया में चल रहे हैं, हमें यह देख लेना है कि शैतानी रूहें, दुष्ट आत्माएं इंसानों के अंदर पाप की अवस्था में जड़ पकड़ती हैं। पाप की अवस्था में वो उस परिवार के लिए एक बिखराव लाती हैं, उस परिवार के लिए एक नाश शब्द को लाती हैं, उनके बच्चों के लिए एक एक ठोकर का कारण रख देती हैं, उन परिवार के लिए एक दुख भरा जीवन देती हैं। अब जो दुष्ट आत्माओं में जकड़ा हुआ व्यक्ति था, बाइबल कह रही है कि वो गूंगा था और वो अंधा था, यानी अंधकार की आत्माओं ने उसे अंधा बना दिया और अंधकार की आत्माओं ने उसे क्या बना दिया, दिखाइए उस पद को, उसे गूंगा बना दिया और उसे अंधा बना दिया। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी यीशु के पास लाए। आप सही जगह पे आए, आप सही जगह पे आए, उसके पास लाए, आप सही जगह पे आए। तब एक अंधे को, जौनपुर से एक बहन आई थी, मैंने उसे देखा, वो बहन की उम्र, जब वो हाई स्कूल परीक्षा पास करने जा रही थी, हाई स्कूल का एग्जाम होने वाला था और वो तैयारी कर रही थी,
और अचानक उसके सर में हल्का सा दर्द हुआ और उसने कहा, पापा मैं थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ, मैं अभी हमारा एग्जाम है, हम अभी उठेंगे तो हम अभी अपना विषय को पढ़ेंगे। एकदम हष्टपुष्ट, और जैसी वो लेटती है, सो जाती है, सोने के बाद जब उठती है उसकी आंखों से देखना बंद हो गया। उसको ये लग रहा है कि अभी रात है, उसको ये लग रहा था कि अभी, उसने पापा से कहा, पापा अभी रात है क्या, अभी सुबह नहीं हुई? उसने कहा, नहीं बेटी अभी तो सुबह हो गया है। उसने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। वो रो रही थी, वो रो रही थी। और एक दिन में पावर, जब फायर प्रेयर में हम लोग शामिल थे, वो यहां थी, प्रभु ने कहा, जिस तरीके से तेरा रोशनी बेटी अचानक चली गई, उसी तरीके से, उसकी आंखें बिल्कुल सही हैं, उसी तरीके से तेरी आंखों में रोशनी अचानक वापस आ जाएगा, यीशु इसको रोशनी देंगे। प्रिय जन, ये बात को समझिए, अगर हमारे जिंदगी में अज्ञानता है, हमारी जिंदगी में पाप है, तो शैतान का बल बेखूबी काम करेगा, उसमें कोई शक नहीं। वो आपके आपके आंखों को अंधा कर सकता है, वो आपके गले को दबा सकता है, गूंगा बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है जब हमारा जीवन पाप की अवस्था में होता है। पर याद रखो इस बात को, आज प्रभु ने पहली लाइन आपको क्या पढ़ाया, विश्वास से की जाने वाली प्रार्थनाओं में हर एक उत्तर आपको मिलेगा। आमीन। बताया कि नहीं बताया प्रभु ने? याद रखो, हमें इनकी चाल को समझना है, शैतान की चाल को समझ लेना है। अगर समझ गए तो हमारे पास बचाव के रास्ते प्रभु देंगे, नहीं समझे तो हम बार बार उससे ठोकर खाते हैं, हमको यह समझ में नहीं आता। मेरी टीम कल प्रेयर करने के लिए एक गांव में गई थी और वो एक साल से बंदा आता है। अब देखो जरा, एक साल से बंदा आता है पर उसके जीवन में स्थिरता नहीं है, वो स्थिर नहीं है। पता लगा एक साल से आता है, एक वर्ष हो गया, अभी उसकी जिंदगी में सुरती प्रथम स्थान है, नशा। वो अपने बाइबिल को नहीं पकड़ पा रहा था, उनको बोला गया बाइबिल पकड़ के उठाओ, बाइबिल लो। जैसे बाइबिल लिया वो जमीन पे गिर रहा है, जैसे बाइबिल लिया वो जमीन पे गिर जा रहा है। अब याद रखना इस बात के लिए कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपकी जिंदगी में कब काम करेगा, उसका असर आप कब देखोगे, उसके ताकत को आप किस अवस्था में देखोगे। शैतान तो लोगों को गूंगा बना रहा है, लोगों को अंधा कर रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? दिखाइए भाई उस पद को, दिखाइए फिर से, दिखाइए, देखिए क्या लिखा है। जो तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने लगा, मतलब वो गूंगा था, हाँ या ना, और वो देखने लगा, इसका मतलब वो कौन अच्छा किया, किसने अच्छा किया। याद रखना इस बात को परिजन, ये हवाएं हैं, ये दूषित हवाएं हैं, इंसानों के अंदर दूषित हवाएं जाती हैं, दुष्ट आत्माएं, जो एक दूषित हवाएं हैं, इंसानों को पागल बना देती हैं, इंसानों के सोच और समझ की शक्ति को ले लेती हैं, उनकी जिंदगी में अपना बल दिखाकर उनको तोड़ डालती हैं और वो बेचारा बन जाता है। उसकी जिंदगी में जो कुछ वो करना चाहता वो नहीं कर सकता, जो कुछ प्लान करता है वो पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि अंधकार की आत्माएं जब इंसानों को गूंगा बना सकती हैं, इंसानों को अंधा बना सकती हैं, तो आपके कामों को बिगाड़ नहीं सकती क्या हो? इसलिए हमें इनसे अधिक ताकतवर बनने की जरूरत है। मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिंदगी में हर काम में सफल होती है, वो पाप के स्थानों पर वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाती है। किस स्थानों पर, बोल के दिखाइए, पाप के जगहों पर। दुष्ट आत्माएं पाप के स्थानों पर अपना बल दिखा पाती है, पर जैसे ही इंसान परमेश्वर के ज्ञान और आत्मा में बढ़ना शुरू होता है, जैसे ही वो प्रार्थनाओं में बढ़ना शुरू होता है, जैसे वो वफादार होना शुरू होता है परमेश्वर के प्रति, जैसे ही वफादार होना शुरू होता है, अपने जीवन में खुदावन को लाना शुरू करता है, उस दुष्ट आत्माओं का बल टूटने लगता है, उस अंधकार की शक्ति का बल टूटने लगता है।
याद रखो, अगर आप हारे तो आप मिटे, पर याद रखो यदि यीशु आपके साथ है तो आप हार न मत मानो, आप हर हार को जय में बदल सकते हो, हर एक हार को जय में बदल सकते हो, जीत में बदल सकते हो, जीत में। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।